अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक डेविल की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए इतनी हम प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को उबाल लिया है, वो आलू हम इसमें डाल देंगे इस तरह से मैश करते हुए। तो ये 4 आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और अच्छी तरह से अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो उसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। हरे धनिया मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल कर हाथों से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पोषण ले लेंगे। और ये देखिए अंडे मैंने उबाल कर उसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे उबाल लिए हैं, जिसके 2 हिस्से टुकड़े कर लिए हैं 20 से। अब हम इसे देखिए इस तरह से हमें गोला बना लेना है, हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। और इस पर रख देंगे अंडा। तो हमने जो बॉईल किया हुआ अंडा है वो हम इस पर इस तरह से रख देंगे। और आलू को हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो इसमें अगर कम पड़ेगा आलू तो हम इस तरह से ऊपर से लगा देंगे, और हाथों से हम इसे अच्छे सा गोल शेप दे देंगे। तो ये देखिए अच्छा सा गोल शेप हमने इसे दे दिया है। अब हम एक अंडा फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडा एक फेंट लिया है, उसमें नमक ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अंडे में हम डीप कर लेंगे जो हमने तैयार किया था आलू का मसाला अंडे के साथ, एग डेविल का, वो अच्छी तरह से अंडे में डीप होना चाहिए ये। और ये हमने अंडे में डीप कर लिया। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, वो ब्रेड क्रम्स हम इस पर लगा देंगे। और अच्छी तरह से देखिए ब्रेड क्रम्स भी मैंने लगा लिए हैं, और तेल भी मैंने गरम कर लिया है। तो सारे इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। और तेल जब गर्म हो जाए तब हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहा है। तो पलटते हुए दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये अच्छे से फ्राई हो गया है, बाकी के भी सभी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस एग डेविल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं। और सभी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे सॉस के साथ, या फिर आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो आप भी इस मज़ेदार एग डेविल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।